देखो टेंजेंट में एक और पार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक और थ्योरम है। अगर ये सर्कल है, इस सर्कल के ये दो पॉइंट से टेंजेंट सेकेंड निकल रहा है, सेगमेंट वाला पार्ट। ये पॉइंट को हम पी मानते हैं, ये पॉइंट आ रहा हम लोग का बी, ये पॉइंट आ रहा हम लोग का ए, इसको हम सी मान के चल रहे हैं और इसको हम डी मान के चल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। ये पार्ट पी से दो टेंजेंट हम लोग, टेंजेंट नहीं है ये, बेसिकली सेगमेंट का एक पार्ट है, सेकेंड है। So, ये पार्ट में क्या आ रहा है, पी से ये बी में कट रहा है और ए में कट रहा है। तो यहां पे एक थ्योरम आता है, पी बी इंटू पी ए इक्वल आएगा पी सी इंटू पी डी। इस चीज को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत आएगा। ठीक है, ये जो पी बी है इंटू टोटल पी ए इक्वल आएगा पी सी इंटू टोटल पी डी। जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन में दे देगा, अगर मान के चलो ये वाला 8 दे दिया है, ये वाला पार्ट को हम लोग 3 दे दिया है, मतलब यहां से यहां तक ए बी वाला पार्ट। ठीक है, ये पार्ट यहां से यहां तक एक्स दे दिया है, ठीक है, और ये पार्ट को 5 दे दिया। अब सॉल्व करो क्या होगा, पीबी का वैल्यू क्या हुआ, पीबी का वैल्यू हम लोग यहां पे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन में। पीबी का वैल्यू क्या है, पीबी का वैल्यू है 8। पीए का वैल्यू क्या होगा, देखो यहां से यहां 3 है, ये 8 है, 8 3 क्या आएगा, पीए का वैल्यू 11। पीसी, पीसी का वैल्यू क्या है, एक्स है इंटू पीडी, पीडी मतलब पी से लेके डी तक, ये पार्ट एक्स है ये 5 है, तो क्या आएगा एक्स प्लस 5 आएगा ना। इसको सॉल्व करो, 8 इंटू क्या आएगा, ये 88 आएगा, इक्वल टू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर देना तो इसका आंसर निकलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है।